दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ से आने वाली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर AE75। जी हाँ दोस्तों, आजकल हीरो की बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च होने की कगार में हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ ये 2020 ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को शो किया गया था। इसके बहुत सारी डिटेल सामने आई हैं। ऑलरेडी हीरो के पास स्कूटर कैटेगरी में बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सपांड करने के लिए कंपनी और इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रही है। अगर बजट ओरिएंटेड आपको स्कूटर चाहिए तो ये गाड़ी को भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अभी लॉन्च नहीं है, लेकिन लॉन्चिंग डेट भी मैं आपको बताऊंगा एंड साथ में प्राइस भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो में बने रहिए एंड चैनल पर नए हो तो पता ना करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके साथ बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित रह जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो अभी जो लोग गाड़ी परचेस कर रहे हीरो इलेक्ट्रिक और बोले तो इलेक्ट्रिक स्कूटर, उनके पास जो ऑप्शन आते हैं वो काफ़ी प्रीमियम ऑप्शन आते हैं। हालांकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ओला की गाड़ियाँ, देन एथर ऑलरेडी एक सस्ती गाड़ी लॉन्च करने वाली है, साथ ही साथ सिंपल एनर्जी की भी एक स्कूटर लॉन्च होने वाली है। लेकिन ये सारी चीज़ लॉन्च होने वाली है और ये प्रीमियम कैटेगरी की है, मतलब 1 लाख के बजट में। लेकिन हर कोई तो 1 लाख पे नहीं कर सकता, उससे कम बजट में कोई गाड़ी अगर चाहिए तो कौन सी परचेस कर सकता है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शन मिलता है हीरो की, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट में सेल कर रहे हैं अपने स्कूटर। हालांकि रेंज कम है, लेकिन आपको गाड़ी अच्छी मिलती है एंड डेली यूज़ के लिए बेस्ट है। उसमें से आती है हीरो की हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर AE75। दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, स्पीडिंग भी काफ़ी अच्छी है, रेंज भी ऑन एंड ऑन एडिक्यूट देता है। सबसे पहली बात तो लुक में देखने जाएंगे तो लुक नो डाउट बहुत अच्छी है, सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है, ऑल LED सेटअप है, कुशनिंग सीट देखने मिलती है, साथ ही साथ आपको प्लियन बैक रेस्ट मिलता है। इसमें आपको BLDC और बोल सकते हो हब मोटर देखने को मिलता है, जो कि बॉश कंपनी का मिलेगा। यहाँ पे जो बैटरी है वो नॉन रिमूवेबल है। जी हाँ दोस्तों, रिमूव नहीं कर सकते, इसमें डायरेक्ट चार्जिंग का सॉकेट दिया है जो कि आपको फ्रंट साइड में ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की रेंज की, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है 80 किलोमीटर पर चार्ज, यानी चार्जिंग टाइम में 4 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, 4 घंटे में आप 80 किलोमीटर का रेंज कवर कर सकते हैं इन इको मोड। एंड इसकी जो टॉप स्पीड है इस गाड़ी की वो 45 किलोमीटर पर आवर। इस गाड़ी के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 25 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीडिंग होती है उसके अबव कोई भी गाड़ी चलती है तो उसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी है। तो इसमें भी आपको लाइसेंस मैंडेटरी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इन गाड़ियों में जो मेंटेनेंस होता है ना वो एकदम ना के बराबर होता है, जो कि हमने पेट्रोल गाड़ियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। हर 2000 किलोमीटर गाड़ी का आपको काम कराना पड़ता है, क्योंकि अगर स्कूटर लेते हैं तो उसमें नॉर्मल आपको ऑयल डालना पड़ता है, सिंथेटिक ऑयल नहीं डाल सकते, तो उसका खर्चा एक अलग ही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सिर्फ एक बैटरी का खर्चा है एंड यहाँ पर बैटरी की भी वारंटी आपको 5 ईयर्स की मिलती है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ आपको टेलीस्कोपिक फोक पीछे मिलता है, डुअल सस्पेंशन सेटअप एंड यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, हाईफाई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बेस ओरिएंटेड गाड़ी है। प्राइसिंग सुन के तो और भी खुश हो जाएंगे हम, 80,000 होगा इसका एक शोरूम प्राइस, और अगर मैं सब्सिडी लगा दूँ तो इसका प्राइस हो जाएगा 65,000, मतलब 65,000 में आपको बैटरी ओरिएंटेड गाड़ी, वो भी हीरो की गाड़ी। हीरो एक नामचीन गाड़ी है, आप लोगों को पता है हीरो ऑलरेडी बाइक और बोल रहे तो कम सीसी की बाइक में सबसे ज़्यादा फेमस है। सेम चीज़ अब हीरो इलेक्ट्रिक में कर रहा है, कम प्राइस में अच्छे स्कूटर प्रोवाइड करना, जो कि लो बजट के लोग हैं जिनको एक्चुअल में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना है लेकिन इतना बजट नहीं है, तो उनके लिए इन टाइप की गाड़ियाँ बहुत अच्छी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। अब आती है इसकी लॉन्चिंग, तो डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन दिवाली सीजन में इनके 3 मॉडल्स आने वाले हैं भारतीय बाज़ार में, जो कि आपको देखने को मिलेगा AE29, AE75 और AE8। ये टोटल 3 गाड़ियाँ हैं, 3 स्कूटर है, जो कि आपको भारतीय बाज़ार में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तीनों के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इस गाड़ी के बारे में रिमेनिंग था तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।